फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट कुछ चीज़ें हैं जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा हम लोग को यू नो माइंड में रख के चलना पड़ता है व्हेन यू आर कमिंग टू एनी फॉरेन कंट्री एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, स्पेशली इन आयरलैंड. मैं आयरलैंड को कंसिडर करते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ कि यहाँ पे मैं ऐसी ऐसी चीज़ें कवर करने वाला हूँ जिस चीज़ का तुम लोग एक्सपेक्टेशन नहीं रख के आते हो कंट्रीज़ में, लेकिन ऐसी चीज़ें होंगी तुम्हारे साथ. और दैट इज़ नॉट लाइक सिर्फ मेरे केस में हुआ, ये सबके साथ ही होता है और बहुत कॉमन है. ठीक है, लाइक हाउ रिक्रूटर्स और एम्प्लॉयर्स एक्सप्लॉयट यू नो फ्रेशर्स, एंड जो लोग एक्सपीरियंस्ड भी आते हैं उन लोग को भी यू नो पता होता है कि रिक्रूटर्स को कि ये लोग एक्सपीरियंस्ड आए हो भले ही, लेकिन ऑफकोर्स आयरलैंड में नए हैं तो कैसे इनको यूज़ किया जाता है. बिकॉज एवरी वन इज़ डेस्परेट फॉर वीज़ा, एवरी वन इज़ डेस्परेट फॉर गेटिंग अ जॉब सो दैट उनका वीज़ा रिन्यू हो जाए एंड ऑल दैट. सो ये सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा के लोग एक गलत चीज़ें करते हैं बेसिकली. तो मैं तुम लोग को स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, यू नो. सो सबसे पहला ये गलती नहीं करना है तुम लोग को कि वंस यू लाइक फिनिश द कोर्स देन यू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर फुल टाइम जॉब्स. ये गलती नहीं करना है तुम लोग को. फुल टाइम जॉब्स वंस यू आर हेयर, मतलब तुम लोग आयरलैंड आ गए हो और तुम लोग ने अपना एजुकेशन स्टार्ट कर दिया है, फुल टाइम जॉब्स एप्लीकेशन डालना चालू कर दो. ठीक है, तुम फ्रेशर हो, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, इट डजेंट मैटर एट ऑल. ठीक है, और तुम लोग बढ़िया से सी वी भी बनाओ, उसमें एक्सपीरियंस वगैरह डालो पास्ट का, और हमेशा पार्ट टाइम का सी वी और फुल टाइम का सी वी अलग अलग रखा करो. ठीक है, बहुत डिफरेंट रखा करो. एंड सेकेंड, कवर लेटर बनाना सीख लो अच्छे से. आई डोंट रिकमेंड बट डेफिनेटली योर AI टूल्स, आई वोंट यूज़ द नेम्स, जिससे तुम लोग हेल्प लेके असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहे हो आज के टाइम पे. सारे तो कोविड पास आउट है आई नो, बट स्टिल जो लोग उससे पहले पास आउट हुए या उसके बाद अभी पास आउट हो रहे हैं उन लोग के लिए मैं बोलूँगा कि अच्छा खासा कवर लेटर बना के रखो, एक स्ट्रक्चर रेडी करके रखो, ड्राफ्ट करके रखो. सारे एप्लीकेशंस में बस पोजीशन और कंपनी का नाम चेंज करके फाइल कर दिया करो. ठीक है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जब से आया था मैंने फर्स्ट सेमेस्टर तक तो ऐसे फुल टाइम एप्लीकेशंस डाला नहीं, क्योंकि पार्ट टाइम में ही मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था. तो तुम लोग को पार्ट टाइम मिल जाता है तो अच्छी बात है, पार्ट टाइम वगैरह करो, लेकिन क्या रहता है फुल टाइम का एप्लीकेशंस नहीं डालना एक बहुत बड़ा मिस्टेक होगा. क्यों? क्योंकि तुम लोग इंटरव्यूज नहीं बैठोगे तो तुम लोग आइडिया ही नहीं होगा कि आज के टाइम पे आयरलैंड में कैसा मार्केट है, कैसे रिक्रूटर्स डील करते हैं तुमसे, कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं तुमसे इंटरव्यू में. ठीक है, तुम्हारे जॉब रोल से रिलेटेड तुम्हारा रिजेक्शन होगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एक्सपीरियंस होगा इंटरव्यू बैठने का और एक्सपीरियंस होगा एप्लीकेशन डालने का, क्या गलती करोगे क्या नहीं करोगे तुम्हें पहले ही पता चल जाएगा. अगर तुम शॉर्टलिस्ट होकर इंटरव्यू तक पहुंच जाते हो, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ अचीवमेंट. ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ, ठीक है, जिन लोगों ने पास आउट हो गए, छः छः महीने हो गए, साल साल भर हो गए हैं, वो एक इंटरव्यू क्रैक करने का पोजीशन तक तो छोड़ो, वो इंटरव्यू तक भी नहीं पहुंच पाते, मतलब उनको इंटरव्यू के लिए भी शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाता. दैट इज़ वेयर दे लूज होप एंड दैट इज़ वेयर उनको लगता है कि फ़ायदा नहीं ऐसे कंट्रीज में आके, वापस जाना पड़ेगा. ठीक है, तो जो भी तुम लोग एक पॉजिटिव साइड देखते हो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट और स्टडी अब्रॉड का, वो पॉजिटिव साइड उन लोगों के लिए होता है जो लोग स्ट्रगल करते हैं, हसल करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं एंड दे लैंड अप गेटिंग अ जॉब बिफोर कंप्लीटिंग देयर मास्टर्स और बैचलर्स. ठीक है, एंड नेगेटिव साइड तुम उन लोगों का देखते हो जो लोग बहुत ढीला ढाला लाइफ लीड कर रहे होते हैं, पार्ट टाइम भी करना है नहीं करना है इस चीज़ को लेकर डबल थॉट्स रख रहे होते हैं. मैं ये नहीं बोलता हूँ क्या पार्ट टाइम करना अच्छी बात है, मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि पार्ट टाइम करना बुरी बात है. यार एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, सबका अपना अपना थिंकिंग होता है, लेकिन मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ अपना पर्सनल ओपिनियन से पार्ट टाइम करना ज़रूरी है, इसलिए है तुमको यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है वो पता चल जाएगा, तुम्हें यहाँ के वर्क एथिक्स पता चल जाएंगे, तुम्हें यहाँ पे कैसे बिहेव किया जाता है लोगों के साथ, कैसे कम्युनिकेशन किया जाता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ एंड क्लाइंट्स के साथ, ये सारी चीज़ों का पता चल जाएगा सिर्फ पार्ट टाइम वर्क करके. एंड तुम अपना बिल्स भी पे कर सकते हो, सीधी सी बात है. एंड डेफिनेटली मैं एक डिफरेंट वीडियो निकालूंगा जिसमें Q&A मैं सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब देने का ट्राई करूंगा. मेरे को बहुत सारे DMs आता है इंस्टाग्राम में भी और मैं देखता हूँ यूट्यूब में भी वीडियोस पे लोग कमेंट करते हैं लाइन से. मैं ट्राई करता हूँ मैक्सिमम लोगों का रिप्लाई दे पाऊँ और मैं देता भी हूँ, आई थिंक 99% देता हूँ मेरे तरफ से, किसी का मिस हो गया होता आई एम सॉरी अबाउट दैट. लेकिन डेफिनेटली मैं Q&A करूँगा, सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल का मैं जवाब दूंगा मोस्टली. एंड लेट्स कम बैक टू द टॉपिक.
सेकंड मिस्टेक जो कि सब लोग करते हैं, अपना स्टैम्प और अपना वीज़ा के बारे में मेंशन करके अपने सीवी में या अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में लिख के, ठीक है। जब तक तुम यार फुल टाइम वर्किंग के लिए एलिजिबल नहीं हो, तब तक तुम अपने स्टैम्प के बारे में जितना हो सके कम बात करो, रिक्रूटर से तो बिल्कुल भी नहीं। वो स्टैम्प टू स्टूडेंट वीज़ा को हायर नहीं करना चाहते, वो तुम्हें इंटरव्यू में बुलाएंगे ही नहीं, सीधी बात है, ठीक है। कोई अगर तुम्हें ग्रेजुएट रोल ऑफर कर रहा है तो उसको अच्छे से पता है कि तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें ग्रेजुएट रोल के लिए हायर किया जा रहा है, तुम पास आउट होने के बाद ही कंपनी ज्वाइन करोगे, तो उन्हें पता है होता है कि तुम पास आउट होने के बाद फुल टाइम वर्क परमिट ले चुके होगे, एलिजिबल हो चुके होगे, सो दे गिव यू अ जॉब। बट उसका ऑफकोर्स सैलरी कम होता है ग्रेजुएट रोल्स का, लेकिन यार कोई तुमको पढ़ते पढ़ते हायर कर ले रहा है और उसके बाद तुम्हारा पढ़ाई खत्म होते ही तुम्हें वीज़ा दे रहा है, जिससे क्या है, तो तुम एक स्टेप स्किप कर जा रहे हो और क्रिटिकल स्किल में तो डायरेक्ट वन पे चले जा रहे हो, या तुम्हारा स्टैम्प 1 GB स्पॉन्सर करने के लिए रेडी है। मोस्टली एम्प्लॉयर्स वही बोलते हैं कि क्या कहते हैं, मोस्टली एम्प्लॉयर्स जनरल ग्रेजुएट रोल्स ये सब में तो वीज़ा स्पॉन्सरशिप नहीं करते हैं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। क्योंकि अभी लाइक इफ़ यू गो थ्रू पेजेस, जितने भी कम्युनिटी के पेजेस है, मैं जस्ट इंडियंस इन आयरलैंड के बारे में बात करूंगा, एवरी डे द मोस्ट कॉमन पोस्ट आई सी इज पीपल टॉकिंग अबाउट माई कंपनी प्रोमिस्ड मी दैट दे विल गिव मी वीज़ा, बट आफ्टर 3 months आई एम लूज दे आस्क मी टू लीव द जॉब एंड दे आर नॉट स्पॉन्सरिंग माई वीज़ा एनी मोर, एंड माई वीज़ा द करेंट वीज़ा इज ऑल्सो गेटिंग एक्सपायर्ड, आई एम हेयर विद माई फैमिली एंड माई चिल्ड्रेन, आई डोंट नो वॉट टू डू। सो ऐसा सिचुएशन में पढ़ने से बेटर है कि अश्योर हो जाओ पहले, क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया कि ये सोच के लोग आते हैं कि यहाँ पे वर्क इथिक्स बढ़िया है, यहाँ पे हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर है, जो हो रहा है आंखों के सामने हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी वर्क पॉलिटिक्स है हमारे कंट्रीज की तरह, यहाँ पे भी सारे वो चीज़ें किए जाते हैं, जैसे मैनिपुलेशन, जैसे एक्सप्लॉयटेशन, ये सारी चीज़ हमारे उधर कॉर्पोरेट कल्चर में यहाँ पे भी है, अच्छा खासा है। जैसे ये कि जिन लोगों के साथ होता है उन्हीं को पता है, जिनके साथ नहीं होता, जिनका प्रोफाइल स्ट्रांग होता है, या जो लोग MNCs में काम करते हैं, जो ग्लोबली रन कर रहे हैं, वो लोग ये चीज़ें बहुत कम फेस करते हैं। हायर पोजिशन के लोग को ऑफकोर्स कम फेस करना पड़ता है, लोअर पोजिशन के साथ हमेशा ये चीज़ें होता है। लोअर पोजिशन इफ़ आई एम सेइंग टिल मैनेजर लेवल इज ऑफकोर्स नॉट वेरी हाई पोजिशन, इट इज़ एग्जीक्यूटिव टू मैनेजर बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है, टीम लीड वगैरह जो भी तुम लोग बोल लो। सो टॉक लेस अबाउट योर वीज़ा, ट्राई करो जितना हो सके एप्लीकेशन डालने का, उसमें तुम इंटरव्यू वगैरह क्लियर करो, अगर तुम राउंड 2 राउंड 3 जो भी है उसमें पहुंचते हो, जहाँ पे तुमसे सैलरी नेगोशिएशन और वीज़ा के बारे में पूछा जाता है, तब बात करो, अदरवाइज बोलो ही नहीं। क्योंकि आई नो सम गाइस जो लोग अभी फुल टाइम काम कर रहे हैं, अच्छा खासा पैकेजेस उठा रहे हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम जॉब्स स्टूडेंट लाइफ में ही अचीव कर लिए थे, लेकिन जब वीज़ा का बात आया तो वहीं पर कैंसिल कर दिया गया उनका पोजिशन। आई एम वन ऑफ देम, ठीक है, मेरा ड्रीम जॉब नहीं था, लेकिन मैंने 2 जॉब्स क्रैक किए थे, एंड वेन दे आस्क्ड मी अबाउट द वीज़ा, बिकॉज मैंने ऐसा CV बनाया था कि उनको लग रहा था कि मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ और मेरे पास फुल टाइम वर्क परमिट है, सो आई एम रेडी टू जॉइन द कंपनी। मैंने कंपनीज वगैरह बैक टू बैक सेकेंड सेमेस्टर से पूरा डालना चालू कर दिया था, मैं इंटरव्यूज बैक टू बैक बैठ रहा था और कभी एक्सेप्ट हो रहा हूँ कभी रिजेक्ट हो रहा हूँ, लेकिन 2 जॉब्स मैंने अच्छे खासे क्रैक कर लिए थे। 3rd जॉब भी मेरे को लगा था कि मैंने क्रैक कर लिया, जो कि एक अपने आप में मेटावर्स था, ठीक है, उसके बारे में मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा, एंड बहुत रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे ये एक्सप्लॉयटेशन होता है नए लोगों के साथ, ये भी मैं तुम लोग को शेयर करूंगा अपने केस से रिलेटेड। बट यहाँ पे ये गलती हो गया कि कहते जब हमने जॉब क्रैक कर लिया और बाद में उन लोग का ऑफर आया, तब मेरे को डील करने नहीं आया कि स्टूडेंट वीज़ा पे कैसे डील करूँ मैं, कि क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कैसे अपने पोजीशन को, जो मैं मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा, मैंने जॉब क्रैक किया, इंटरव्यू क्रैक किए, बोर्ड मेंबर्स को कन्विंस किया कि मेरे को हायर कर लो, मेरे में वो पोटेंशियल है, ये चीज़ों को मैं कन्विंस करके उन्हें अपने लिए रोक नहीं पाया, होल्ड पे नहीं रख पाया, ठीक है। एक फर्स्ट जॉब में तो मैंने सीधी, मैं अपने केस से इसलिए डिटेल से बता सकता हूँ क्योंकि वो मेरे से रिलेटेड है, बाकियों के बारे में मैंने तुम्हें बस एग्जांपल देके रिलेट कर सकता हूँ, ठीक है। एक जॉब मैंने क्रैक कर दिया, मेरे पास ऑफर लेटर भी आ गया, ठीक है, उनको पता था मैं स्टूडेंट वीज़ा पे हूँ, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई खत्म करके तुम फुल टाइम काम कर सकते हो, तब तक तुम हाइब्रिड काम करो, 3 दिन यहाँ काम करो घर से और 2 दिन ऑफिस आओ, ठीक है, विच वॉज लिटिल बिट फार फ्रॉम माई प्लेस, मैं गॉलवे में रहता था पहले, तो सैलरी मेरे को कम लगा मेरे वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से, सेकेंड मैनेजमेंट रोल था, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत की वो नहीं है मेरे को, आई लाइक टू डू मैनेजमेंट रोल्स, ठीक है, मेरा 3 साल मैनेजमेंट रोल में ही काम रहा है, एक्सपीरियंस है, बट मेरे को सैलरी कम लगा तो मैंने इस कारण से वो खुद ही कैंसिल कर दिया। दैट वॉज लाइक अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, वो लोग गाड़ी दे रहे थे, रेंट वगैरह बोल रहे थे कि तुम ढूंढ लो, हम लोग ही तुम्हारा वो सब चीज़ देख लेंगे,
अदरवाइज सैलरी वॉज लेस। बट मेरा गलती तुम लोग को नहीं करना चाहिए, एक्सपीरियंस वगैरह जो भी हो यार, पहले जो भी जॉब मिल रहा है ना, डेस्परेट होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, देखो कि यार सैलरी कम है कोई दिक्कत नहीं है, वर्कलोड और मगजमारी नहीं है ना, ले लो खुशी खुशी। यहाँ पे हमारे कंट्रीज की तरह नहीं है कि 2 महीना सर्व करना ही पड़ेगा, नहीं सर्व करोगे तो साला 1 महीना 2 महीना का सैलरी काट लेंगे, ये सारी चीज़ें नहीं होती, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं है। बहुत सारे जॉब्स में अप टू 6 मंथ तक अगर तुम बीच में छोड़ना चाहते हो तो तुम्हें 1 वीक से 15 डेज का नोटिस सर्व करना पड़ता है, 1 मंथ से ज़्यादा नोटिस पीरियड कहीं भी नहीं है बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है? तो ये गलती बिल्कुल मत करना, ले लेना या होल्ड करवा लेना। मैंने वो खुद ही रिजेक्ट कर दिया, मैंने वो नहीं लिया ये सोच के कि मेरे लिए तो एक जॉब ऑलरेडी रखा गया है, जिसका मैं तुम्हें थर्ड जॉब के बारे में बोल रहा था, जिसके लिए मेरे को एम्प्लॉयर से लिंक्डइन पे मैसेज आया था और मेरे को बोला गया था जस्ट कम टू द कैंपस, लेट्स हैव अ मीटिंग, नो शॉर्ट डिस्कशन। और मेरे को लगा था ऐसे मिलने के लिए बुलाया गया, बाद में मुझे जॉब ऑफर किया गया और मैं भी खुश हो गया, मैंने बोला ठीक है हाँ मैं करेगा, और इस चक्कर में मैंने ये वाला जॉब छोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, ब्रांड नेम के चक्कर में मैंने अपनी वाट लगवा ली, बट तुम लोग ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है? ये वादों पे, प्रॉमिसेस पे बिलीव मत करो, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं। कोई किसी का सगा नहीं है, तुम्हारे अपने ही तुम्हारा अपना काट रहे होते हैं, और देसीज तो बिल्कुल भी नहीं भाई। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ देसीज के, बट मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ कि ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन एक दूसरे को, छोड़ दो प्रोफेशनल लाइफ में यार, पर्सनल लाइफ में भी लोग एक दूसरे को, हमारे ही लोग हमसे ये चीज़ें कर रहे हैं। तुम हाउस रेंटिंग और स्कैम्स के बारे में अगर मैं एक स्पेशल वीडियो निकालूंगा तो तुम लोगों को समझ में आएगा। मैं स्क्रीनशॉट्स भी अटैच कर सकता हूँ, लोग पोस्ट कर रहे होते हैं विथ नेम, मैं नेम वगैरह नहीं डिस्क्लोज करूंगा, बट विथ नेम कि मेरे साथ एक इंडियन फैमिली ने ऐसा किया, मैं घर गया, मैं वापस आया तो मेरा सामान निकाल के बाहर फेंका हुआ था, मेरा डिपॉजिट वापस नहीं दिया। तो यार ये वो मत सोचना कि मैं देश से बाहर हूँ, यहाँ पे कोई भी इंडियन मिल जाता है तो वो मेरा अपना हो गया बोल के, वो मेरे को ज़रूरत पे काम आएगा, कोई काम नहीं आ रहा, ठीक है? कोई किसी का सगा नहीं है यहाँ पे, तो डोंट रिलाई ऑन एनी वन, ठीक है? और फॉरन फिरंगियों पे तो ऑफकोर्स वो अपने बाप के भी नहीं है, उन पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं भरोसा करता। तो जो भी है, दूसरा मिस्टेक ये नहीं करना। तीसरा मिस्टेक होल्ड करना सीखो, ट्राई करो उन लोगों से मिलना जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जिन लोगों ने ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं उन लोगों को पता है, वो तुम्हें सही गाइड कर सकते हैं कैसे होल्ड कराया जा सकता है एम्प्लॉयर को, ठीक है? मैंने नहीं होल्ड करा पाया, मैंने मेरे को कैंसिल करना पड़ा बिकॉज दे वर आस्किंग मी टू जॉइन जस्ट नेक्स्ट मंथ, और मेरा मन नहीं था दूसरे एक टाउन, छोटे से मतलब एटलीस्ट एक स्मार्ट सिटी से एक छोटे से टाउन में शिफ्ट होने का, जस्ट फॉर अ कार एंड जॉब जो कि मेरे को फुल टाइम मिल रहा था। बट मैंने बोला नहीं नहीं करने का, अपने को डबलिन मूव होना है, बड़े सिटी में मूव होना है, ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए, यू नो ऑलवेज ह्यूमन माइंड सेट ऑलवेज लुकिंग फॉर मोर। सो लुकिंग फॉर मोर के चक्कर में मैं 4 महीना बैठा रह गया, यू नो 2 महीना तो मैं घर पे था, 2 महीना यहाँ पे आके बैठा रह गया जस्ट टू फाइंड अ फुल टाइम जॉब विथ 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो सोच लो अगर तुम फ्रेशर हो और वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, ठीक है? आई एम नॉट गिविंग यू स्पूकी वाइब्स, बट यू हैव टू कम प्रिपेयर्ड, यहाँ से स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है? थर्ड मिस्टेक जो कि लोग करते हैं फुल टाइम होने के बाद, बाद अगर जॉब अप्लाई किया है और जॉब वगैरह मिल गया है तुमको और एम्प्लॉयर से तुमने क्लियर बात नहीं किया कि मेरे को वीज़ा देना है कि नहीं देना है। बहुत लोग पूछते हैं वहाँ पे तुम्हें वीज़ा चाहिए या नहीं चाहिए, बहुत स्टेप्स में तुम्हें स्टार्टिंग में ही हटा दिया जाएगा कि क्या है वीज़ा चाहिए, और तुमने येस बोला और तुम्हें उसके बाद बुलाया ही नहीं जाएगा, ठीक है? तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा क्रिटिकल स्किल है, तुम्हें पता है कि तुम क्रिटिकल स्किल के एलिजिबिलिटी पे खुद से भी वीज़ा स्पॉन्सर कर सकते हो अपना, तो भाई वहाँ पे नो करो और जॉब फाइल करो। गेटिंग अ जॉब मैटर्स, और देखो कि तुम्हारा सैलरी उस रेंज में आ रहा है कि नहीं जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो बनाया था, नहीं देखा है तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कि सैलरी थ्रेशोल्ड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सैलरी थ्रेशोल्ड में आ रहा है, एम्प्लॉयर से एक पेपर लेना है तुमको, खुद से अप्लाई करना है अपना वीज़ा एंड खुद से स्पॉन्सर करना है। स्पॉन्सर क्या, अपना बस वीज़ा फीस भरना है। स्पॉन्सरशिप में क्या होता है, वीज़ा फीस भरता है तुम्हारा एम्प्लॉयर, और क्या करता है? और जब तुम साल का 35-40 कमा रहे हो, तुम्हें 1200 यूरो देने में कुछ जाता है? कुछ नहीं जाता है, एक बार देना है ना, 2 साल के लिए स्टैम्प वन मिल जाएगा ना। तो इतना डबल थॉट्स नहीं रखने का, ये मत सोचने का कि यहाँ पे वीज़ा मैंने यस कर दिया मेरे को नहीं आया, तो भाई वहाँ पे यस ही मत करो, नो करो, और ट्राई करो कि जितना हो सके रिक्रूटर से फेस टू फेस इंटरव्यू तक पहुँचने का। दैट इज़ द गेम चेंजर। वहाँ पे आके तुम अपना स्किल्स दिखा के, कम्युनिकेशन दिखा के, अपना एक्सपीरियंस दिखा के, उनके वादे वगैरह करके और उनको बता के कि मैं पोटेंशियल कैंडिडेट हूँ, जस्ट ग्रैब अ जॉब एंड देन फोकस ऑन कन्वर्टिंग योर वीज़ा। पहले वीज़ा 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 वीज़ा, वी इंडियंस आर लाइक ऑलवेज वीज़ा चाहिए, सिटीजनशिप चाहिए। भाई इतना भी डेस्परेट नहीं होना है कि रिक्रूटर को दिख जाए तुम्हारे मुंह पे कि तुम भीख मांग रहे हो वीज़ा के लिए, ठीक है?
इतना डेस्परेट नहीं होना। मानता हूँ कि मेरा केस अलग है, मेरे को नहीं चाहिए सिटीजनशिप, मैं कभी आया नहीं था, बट नॉट लाइक नॉट नॉट फॉर दोज पीपल जो लोग आए थे सिटीजनशिप और वीज़ा ये सब के लिए आए थे, सोच के लॉन्ग टर्म प्लान्स लेके आते, मेरा नहीं था। तो मैंने क्या थे कभी भी ये नहीं सोचा कि वीज़ा के लिए चाहिए या इसको एम्प्लॉयर से बात करना नहीं करना है, किसी से भी बात करता हूँ, दोस्त वगैरह से मिलता हूँ, जॉब कर रहा है कहाँ कर रहा है ये कर रहा है ठीक है वीज़ा दे रहे हैं, ये सवाल इसलिए आता है बिकॉज सब माइंडसेट ही लोगों का यही होता है ठीक है। अब जिसको चाहिए कोई ख़राब बात नहीं है, लो क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा है, हर चीज़ अच्छा है, पैसे अच्छे हैं ठीक है, बट डोंट शो द डेस्परेशन, दैट्स ऑल आई एम सेइंग ठीक है। एंड लास्ट एंड फाइनल थिंग आई वुड से इज लाइक चेज अ राइट जॉब, लुक फॉर अ राइट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टेड ऑफ गेटिंग इन टू अ टॉक्सिक एनवायरनमेंट जहाँ पे तुमको फेक प्रोमिसेस करके जॉब पे तो रख लिया जाएगा, बाद में वीज़ा नहीं दिया जाएगा ठीक है, और या बाद में पेपर नहीं दिया जाएगा जिसके बेसिस पे तुम अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो ठीक है। एंड फोकस ऑन गोइंग पुटिंग योर एफर्ट टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ जस्ट वेस्टिंग टाइम थिंकिंग अबाउट कि मेरे लिए क्यों नहीं हो रहा है, राइट जगह पे एक्टिव रहो। अगर अभी तक नहीं आए हो और इस बार इनटेक में आ रहे हो तो ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा लिंक्डइन पे नेटवर्क बनाने के लिए। मेरे को जो थर्ड केस है उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बट लिंक्डइन पे मैंने नेटवर्क बनाया था आयरलैंड आने से पहले ही, ग्लोबल नेटवर्क बना रखा है लिंक्डइन पे, ऑलमोस्ट मेरे 7000 प्लस कनेक्शंस फॉलोअर्स जो भी बोलो हो गए, तो उस कारण से मेरे को बहुत ज़्यादा हाईलाइट मिला। कोई भी पोस्ट कोई भी चीज़ें डालता हूँ मैं एक्टिव रहता हूँ, लोग देखते हैं कि बंदा है यहाँ पे है हमारे इंडस्ट्री में काम कर रहा है, लोग लाइक करते हैं कमेंट करते हैं डीएम्स करते हैं, मैं भी उनको डीएम्स करता हूँ, हैप्पी एनिवर्सरी कर देता हूँ उनके वर्क वर्क एनिवर्सरीज पे बर्थडेज पे, वो लोग भी मेरे को करते हैं, तो इस चीज़ से काफ़ी एक वो हो गया, क्या रिकमेंडेशन लिए हुए मैंने पिछले कंपनीज से, ये भी एक एडवांटेज हो गया। एंड द लास्ट एंड फाइनल पार्ट वॉज लाइक दिस ओनली, मेरे को एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन, मैं नाम ही बोल देता हूँ, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं जाता मेरा, ट्रिनिटी से आया था मैसेज लिंक्डइन पे कि आ जाओ मिलते हैं वगैरह, मैं गया शॉर्ट में ख़त्म करता हूँ, और उन्होंने बोला कि क्या है आई सॉ योर प्रोफाइल आई एम रियली इम्प्रेस्ड आई वांट यू इन माय टीम, तो मैंने बोला ओके फाइन, और मेरे पास ऑलरेडी स्पोर्ट्स आयरलैंड का जॉब था जिसमें थोड़ा कम दे रहे थे, यू नो फेडरेशन थोड़ा कम देते हैं बट चिल आउट वाला काम होता है, और मैंने स्पोर्ट्स आयरलैंड सोचा कि यार ठीक है अच्छा है ड्रीम जॉब है लेकिन सैलरी कम है, यहाँ पे ट्रिनिटी यार बड़ा नाम है बिग फेम है टॉप कॉलेज यू नो दुनिया में नाम है ले लेता हूँ, और मैंने वो स्विच कर दिया कैंसिल कर दिया ये वाला जॉब, और ट्रिनिटी में सोचा कि मेरे लिए तो जॉब रखा हुआ है, मेरे को एम्प्लॉयर ने बुलाया मेरे को बोला आई वॉन्ट यू इन माई टीम, और बाद में मेरे को बोला गया कि ये रोल निकला है इसमें अप्लाई करो, तो मैंने सोचा यहाँ पे भी अंदर ही अंदर काम होता है, तो मैंने अप्लाई कर दिया, मैंने सोचा मेरे को एम्प्लॉयर ने बोला तो ऑफकोर्स मेरे को प्रेफरेंस मिलेगा। मैंने वेट किया 15 दिन 20 दिन एक महीना, मैंने मैसेज किया कि क्या सीन है कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो बोलते हैं क्या कहते हैं दिस इज़ अ पब्लिक पोस्टिंग यू नो टाइम लगता है इन चीज़ों को, जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबको वेरीफाई करके चेक करके देन विल शॉर्टलिस्ट द इंटरव्यू कैंडिडेट्स। मैंने बोला जब तुम सबको वेरीफाई करोगे तो मेरे को बुलाने का क्या मतलब था, मेरे को ये झूठे वादे देने का क्या मतलब था दैट आई वॉन्ट यू इन माई टीम, इफ़ यू थिंक दैट आई एम नॉट द राइट कैंडिडेट और सूटेबल कैंडिडेट तो मेरे को क्यों बोला दैट आई वॉन्ट यू इन माई टीम। बोलते कि I think you have the potential for this job role. You can apply and we can give you some consideration. ये नहीं बोलते कि क्या कहते I want you in my team और मैं पुराना जॉब खो देता। मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूँ कि क्या कहते उन्होंने मेरे को फेक वादे दिए, बट मैं ये बोल रहा हूँ तुम लोग की गलती मत करना, तुम लोग के साथ अगर ऐसा होता है तो LinkedIn के थ्रू या किसी भी रिक्रूटर के थ्रू, यू नो रिक्रूटर्स भी वादे करते हैं, मैं रिक्रूटर्स थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग का बात कर रहा हूँ नॉट द डायरेक्ट एम्प्लॉयर्स, क्योंकि मेरे दोस्त के साथ भी ये हुआ, वो IT से था, उसको भी ऐसा फेक वादा किया गया और बाद में वो भी मेरी तरह 2 महीना 3 महीना बैठा रह गया और जॉब नहीं मिला उसको, बाद में उसको दूसरे कंपनी में अप्लाई करके घुसना पड़ा जस्ट बिकॉज वी वर एक्सपीरियंस, हमें मिल गया फाइनली, बट आज भी लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, आज भी पार्ट टाइम ही फुल टाइम की तरह कर रहे हैं और डोंट नो कब मिलेगा नहीं मिलेगा, एंड लाइफ इज़ नॉट सो ईजी, लाइफ इज़ नॉट सो ग्लैमरस जैसा दिखता है तुम लोग को ऊपर ऊपर से, रियलिटी बहुत अलग है बहुत डिफरेंट है। That's all for today. Thank you so much for watching my video. If you like it, please subscribe the channel because 90% people don't subscribe it, and that's why I'm not able to complete 500 subscribers doing vlogging from 4 years more than that. Anyways, thanks guys.